नमस्कार दोस्तों, थर्ड आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम फिर से आपके लिए कुछ अच्छी और चटपटी खबरें लेके आए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के बरेली की खबर। बरेली के आंवला में मोहल्ला पक्का कट्टा में चल रही फार्म राजेंद्र मोहन एंड सन्स के यहाँ नकली तेल की सूचना पर SDM CO खाद निरीक्षक ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इसकी सूचना से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कारोबारियों ने प्रशासन की टीम देखते ही दो गोदामों में ताले जड़ दिए। एक गोदाम से टीम ने खाद्य तेल आदि का नमूना लिया है। 10 अप्रैल को पड़ी इस छापेमारी में जैसे ही टीम तेल गोदाम पर पहुंची, टीम को देख फर्म मालिक घबरा गए। छापेमारी के दौरान टीम ने तेल के खाली डिब्बे, खुला तेल आदि देखा। इस दौरान गोदाम मालिक ने कंसालम में बने दो कमरों के गोदामों में ताला जड़ दिया। प्रशासन के कहने के बाद भी टीम ने उन गोदामों के ताले नहीं खोले। इसके बाद टीम ने वहां बने शौचालय और उसके अंदर बने कमरे में खुला और पैक तेल रखा हुआ पाया। ये देखने के बाद शायद आप भी घी और तेल खाना बंद कर देंगे। टीम ने मौके से 11 पीपे तेल कब्जे में ले सैंपल ले ली। नंबर 1 की मेरी फार्म में तेल लगा, सैंपल बन लो, सैंपल बनने का अधिकार है सैंपल। अब जो खाली डिब्बे रखे जो कबाड़ियों से मैंने लेके, मैं 2-2 किलो तेल काय में बेचूं, मैं डिब्बों भर के बेच देता हूं। ना ना, भले आदमी तो बैठ, अब जे नहीं, हम आप लोगों के लिए भले ही हैं। हमने पुलिस